मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, उससे मिले हुए एक अरसा हो गया। दोस्तों, जब भी मैं पहाड़ों में आता हूँ तो मेरा दिल ये गाना अपने आप गुनगुनाने लगता है। ये टाइम लैप्स आप जो देख रहे हैं, ये डेरिया खेल का है जो कि लैंसडाउनी से 5 किलोमीटर पहले पड़ता है। है ना ये खूबसूरत? दोस्तों, ये मेरी डेस्टिनेशन थी, पर इससे भी खूबसूरत थी मेरी जर्नी, और उस जर्नी को खूबसूरत बनाया था उन सभी शानदार लोगों ने जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी, चाहे पल दो पल के लिए। उन सब लोगों ने मेरी खूब हौसला अफजाई करी, उनके चेहरे की मुस्कुराहट में कभी नहीं भूल पाऊंगा। इसीलिए मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ ये ब्लॉग उन सभी लोगों को। तो इसी बात पे शुरू करते हैं हम आज का ब्लॉग, फ्रॉम गाजियाबाद टू लैंसडाउनी। Guys, welcome to my YouTube channel, The Riding Saga. This is Sam. I hope you all are doing great. So guys, as you can see, हमारी हिमालयन बिल्कुल रेडी है फर्स्ट लॉन्ग राइड के लिए। तो मैं निकल चुका हूँ अपने घर से और जा रहा हूँ एक नई डेस्टिनेशन। ये दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि हमारी हिमालयन पहली लॉन्ग राइड पर जा रही है, फुली लोडेड है। और जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, मैं जा रहा हूँ लैंसडाउनी। ये एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है नियर बाय दिल्ली इन उत्तराखंड, जहाँ पे मैं पहले एक बार जा चुका हूँ, और बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों। तो जय बजरंगबली, जय भोलेनाथ। भगवान का नाम लेके हमने शुरुआत कर दी है अपनी फर्स्ट लॉन्ग राइड की। तो गाइस, हमारी हिमालयन पूरी लोडेड है, मैं भी पूरे राइडिंग गियर पहन के चला रहा हूँ, अपनी राइड पे हूँ। तो काफ़ी जो भी कार या फिर जो भी आसपास से निकल रहे हैं ना, वो बच्चे हैं या फिर जवान हैं या बूढ़े लोग हैं, सब अपने कार से मुझे हाय बोल रहे हैं और बेस्ट ऑफ लक विश कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। मैं अभी जा रहा था तो मुझे एक भाई साहब मिले हैं। सर, आप कहाँ से हैं? सर, मैं सर गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद से? सर, मैं भी गाज़ियाबाद से हूँ। सर, क्या बात है। तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, अपनी सिस्टर के यहाँ। लेकिन वो तो खैर दुनिया जाती रहती है, लेकिन हाँ, आप लोगों जो अलग ही दिशा में कोई बात नहीं भाई साहब। देखो, ये ना, ये आप जो चाहते हो ना, आपको मिलेगा ये। और ये बहुत जल्दी टाइम आएगा जब आप भी ऐसी लंबी लंबी राइड्स पे जाओगे। क्या है? देखो, घर गृहस्थी तो लगी रहती है, लाइफ ऐसी होती है जो अपने आप को ही चाहिए, क्योंकि हर कोई नहीं लेता। सही बात है, कोई कोई होता। हाँ, ये हम खुद के लिए करते हैं, ये आप अपने लिए। हाँ, इसमें कोई किसी को ना बुरा कहना ना अच्छा कहना, बस लाइफ को एंजॉय एक बार आयो लाइफ में। हाँ, यूज करो अच्छे से। क्या बात है, बहुत बहुत प्यारी बात की है भाई साहब आपने। और आपको हमारी हिमालयन कैसी लग रही है? सर, वाकई में बहुत अच्छी लग रही है, बहुत रियल। चलो सर, ओके सर, आपसे मिलते हैं दोबारा। सर बिल्कुल। गाइस, हम पहुंच चुके हैं मेरठ। हाँ, तो मुझे लगा है कि पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर हो जाएगी, क्योंकि है ना, मुझे काफ़ी लोग अभी रोक चुके हैं। 3-4 बार मैं लोगों ने मुझे रोका है, रोक के पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, एंड हाउ हैप्पी दे आर टू सी मी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे दोस्तों। हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई है, तो मैं पहन रहा हूँ अपने रेन लाइनर्स टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। और अगर बारिश अगर तेज होती है तो मुझे अपना GoPro भी अंदर रखना पड़ेगा। ये बारिश शुरू हो गई दोस्तों, तो ऐसा लगता है कि हमें अपना GoPro रखना पड़ेगा अंदर। गाइस, तो ये है एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट। देखिए, प्लेन्स जब हम क्रॉस करके, जब हम फर्स्ट जो साइट होती है पहाड़ों की, वो बहुत ही स्पेशल होती है। तो आप देख सकते हैं ये पहाड़ मुझे दिख रहे हैं। ये एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है, यू नो, क्योंकि यहाँ पे साइंस भी लगे हुए हैं कि कभी भी कोई भी जानवर आपके सामने आ सकता है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एलिफेंट्स वगैरह जो हैं वो काफ़ी कॉमन साइट है यहाँ पे दिखना। वाह, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच होते हुए हमारी हिमालयन जा रही है, और बहुत ही रहिए वन्य जीवों के लिए प्रेम जगह, बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। चलो देखिए दोस्तों, हम थोड़ी सेटिंग करते हैं।
मेरे लिए नो ये राइड का सबसे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस यही होता है यू नो, बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच, जंगल के बीचों बीच होते हुए जाना पहाड़ों की तरफ, और ये जो मानसून सीज़न है इसमें तो ब्यूटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जानवर वगैरह है, वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स वगैरह, टाइगर लेपर्ड वगैरह, हाथी वगैरह है यहाँ पे? यहाँ पे है अभी इस टाइम दिखते हैं? अच्छा वो किस टाइम दिखते हैं? और टाइगर भी आता है यहाँ पे, आपने देखा है कब? अच्छा चलो भी ध्यान रखो अपना, चलो सर बिल्कुल सही कह रहे हो, सही बात है, चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। आई होप देर इज़ नो लैंडस्लाइड। पर पहाड़ों में मॉनसून सीज़न में ये कॉमन साइट होती है दोस्तों, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ढाबे के ओनर, आपके ढाबे का नाम क्या है? अच्छा लेकिन बहुत ही अच्छा खाना था। तो आप मुझे अभी बता रहे थे वो जंगली जानवरों के बारे में, बाघ वगैरह आते रहते हैं यहाँ पे, हाथी आते रहते हैं? हाथी तो परमानेंट है, अभी भी गांव में है ऊपर। अभी भी गांव में हो? अच्छा है, परमानेंट रूट है, पेड़ देख लो उनका, लीफ देख लो, ये तो आने जाने वालों के लिए दो तीन गाँव है जिनको बहुत दिक्कत होती है। अच्छा और यहाँ पे आप बता रहे बाघ भी आ गया था? यहाँ पे कुत्ते पे अभी नाखून मारा था यहाँ पे? नहीं नहीं अंदर आया, अंदर आ गया था बाघ। क्या बात है, क्या आपको डर नहीं लगता? क्या बात है, क्या बात है, हाँ ये बात भी सही है। जैसे ये गाड़ी खड़ी है, हाथी उठी आता रहता, छेड़ता नहीं है गाड़ी। हाँ हाथी नहीं छेड़ता है, गाड़ी को नहीं छेड़ता है। हाँ ऐसा है कि उसको छेड़खानी करोगे तो छेड़ेगा। हाँ सही बात है, सही बात है। जानवर तो लगभग लगभग सभी प्रकार के हैं। हाँ फिर वो जंगल के बीच घिरा हुआ है ना। हाँ हाँ उनके बच्चे हुए, ड्यूटी वाले मजदूर लोग, इनको बड़ी दिक्कत होता है आने जाने। क्या बात है, सही बात कह रहे हो बिल्कुल। जो है किसी टाइम जा रहा है छोटी स्कूल का, बड़ी स्कूल का, आने जाने का टाइम भी अलग है। चलो कोई बात नहीं, आप मतलब हिम्मत है आपकी, आप बिल्कुल जंगल के बीचों बीच आपका ये ढाबा है। इसके बाद तो पूरा ये कालागढ़ नौड़ी बीच आता है जंगल। क्या बात है, लेकिन खाना बहुत अच्छा था, बिल्कुल ऑर्गेनिक था, पहाड़ी दाल और सब्जी वगैरह, मज़ा आ गया भाई साहब। थैंक यू सो मच। ढाबे से निकलते ही, बिल्कुल ढाबे से निकलते ही ये व्यू है। दोस्तों देखो ये अलग ही व्यू स्टार्ट हो गया है, ये जो पेड़ है देखिए कितने खूबसूरत हैं, शानदार। यहाँ पर बाइक चलाने का तो मज़ा ही अलग है, वाओ। दाएं जंगल बाएं जंगल और बीच में हमारी हिमालयन, और उस पे मैं हम बिल्कुल बादलों में आ गए हैं दोस्तों। ये देखिए वी आर लिटरली इन द क्लाउड्स, वाओ व्हाट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस गाइस। दिल खुश हो गया है, दिल तृप्त हो गया है एक्चुअली में। नाउ आई कैन से actually that I am on the cloud number 9. Wow, let's do some saddling. I am the king of the world. Himalayan Zindabad. Wow. Views are just getting better, as you can see. देखो दोस्तों बिल्कुल ही हम बादलों में हैं। तो हम आ गए हैं लैंसडाउन कैंट, लैंसडाउन छावनी में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, आई एम डिलाइटेड टू बी हेयर। तो अभी हो रही है लैंसडाउन में होटल हंटिंग, मैं देख रहा हूँ कोई अच्छा सा लोकेशन मिल जाए मुझे जहाँ पे व्यूज अच्छे हों, यही चाहिए दोस्तों मुझे।
Hey guys, so मैंने रूम ले लिया है फाइनली लैंसडाउनी से 2-3 किलोमीटर पहले एक जगह है वहाँ पर द होटल का नाम है होटल ईडन रिजॉर्ट। बहुत ही स्पेक्टेकुलर व्यूज़ हैं यहाँ से, आप देखिए दोस्तों पूरा बादलों के बीच में है हमारा होटल, शानदार। देखिए अभी कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है, सामने पूरी वैली है जो बादलों से छुप गई है अभी। या सो आई शो यू माई रूम राइट नाउ। देखिए दोस्तों दिस इज़ माई रूम। ओके ये है टीवी, यहाँ पे मैंने अपने सारे पैनियर्स और टॉप बॉक्स और टेबल बैग रख दिया है। यहाँ पे देयर इज़ एन अलमीरा। ये है वॉशरूम जो कि काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन है। तो व्यूज़ बहुत अच्छे हैं दोस्तों यहाँ से, इसलिए मैंने ये रूम लिया है। ओपन व्यू है, यहाँ पे कुर्सी लगा के बैठ जाओ और प्रकृति का आनंद लो। दोस्तों इस रूम का टैरिफ मुझे पड़ा है 1500 रुपीज़, देवर आस्किंग फॉर 2500 बट आई सेड नो। तो बार्गेनिंग करने के बाद मुझे 1500 रुपये के लिए मिल गया है 2 दिन के लिए, क्योंकि आई एम गोना स्टे टुमारो एज वेल। यहाँ पे तो जितना कम जितना ज़्यादा रुको उतना कम है दोस्तों। देखिए दोस्तों